पवार और मुकेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मुकेश इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा था, तब जाकर वो सीनियर इंजीनियर बना था और पवन एक ही साल में सीनियर इंजीनियर बन गया था। ये बात मुकेश को बहुत खटकती थी। पवन, बॉस तुम्हारे काम से बहुत खुश था और लगता है इस साल तुम्हें एक और प्रमोशन जरूर मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहो। जब भी कोई पवन की तारीफ करता तो मुकेश की जलन बढ़ जाती। हम दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, मोटर की टेस्टिंग का, पर फिर भी सबको पवन का काम ज्यादा क्यों पसंद आता है? पता नहीं इस पवन ने सभी पर क्या जादू टोना किया है। मुकेश मन ही मन जलता रहता था। जब मुकेश घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। मैनेजर पवन को एक और प्रमोशन देने वाले हैं। अरे, पर आप तो इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रमोशन क्यों नहीं देता? हम दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, पर फिर भी सभी को वही पसंद आता है। लगता है उसने कोई जादू टोना किया है। हाँ, वैसे भी सभी को अपना खाना खिलाता रहता है। सब बोलते हैं कि उसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब खाने से सबको अपनी मुट्ठी में किया है। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मौका मिलते ही मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो इस कंपनी से ही चला जाएगा। ऐसा क्या करोगे? तुम बस देखती जाओ। कुछ दिन बाद। पवन, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, शायद तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी है। पवन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुकेश समझ गया कि पवन का फिर से प्रमोशन होने वाला है। मुकेश मन ही मन जल रहा था। मैंने इस कंपनी को 3 साल दिए, अब तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला और ये कल का लौंडा आते ही प्रमोशन पर प्रमोशन ले रहा है, इसे तो इसकी औकात बतानी ही होगी। और बस पवन के वहाँ से जाते ही मुकेश उसकी जगह पर गया और जो मोटर पवन फिट कर रहा था उसके कुछ वायर्स खोल दिए और फिर अपनी जगह पर लौट गया। कुछ देर बाद पवन हंसते हुए लौटा। अरे मुकेश भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया, अभिनंदन पवन। पवन बहुत खुश था। उसने अपने औजार उठाए और अपने हाथ का काम खत्म करने लगा, पर जैसे ही उसने बटन दबाया उसकी मोटर में एक चिंगारी आई और मोटर बम की तरह फटी। मुकेश बहुत खुश था कि पवन अपाहिज हो चुका होगा। आवाज सुनकर बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए, पर जैसे ही धुआं हटा तो मुकेश हैरान था। पवन बिल्कुल ठीक था, उसको बस कुछ छोटी मोटी खरोचे आई थी। पवन, पवन, तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, जैसे ही मैंने बटन दबाया मोटर फट गई। लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। तुम डॉक्टर के पास चले जाओ और वहाँ से सीधे घर चले जाना, आज का काम मुकेश देख लेगा। वैसे भी कल से तुम्हें सुपरवाइजिंग का काम करना है। जी सर। पवन ने पानी पिया और फिर वहाँ से चला गया। मैनेजर मुकेश को घूरे जा रहा था। तुम मेरे केबिन में आओ। मैनेजर मुकेश को घूर रहा था। मुकेश मैनेजर के केबिन में खड़ा था। मैनेजर ने अपने कंप्यूटर में मुकेश का वीडियो प्ले किया जिसमें मुकेश पवन की मोटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ये वीडियो देखकर मुकेश के पसीने छूटने लगे। आज जो हुआ है वो हादसा नहीं था, बल्कि तुम्हारी साजिश थी। तुम पवन को मारना चाहते हो? नहीं सर। क्या नहीं? ऊपर वाले की कृपा है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना पवन की जान पे तो बनती ही, साथ ही फैक्ट्री पे भी केस हो जाता। तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पवन के परिवार का क्या होगा, उसका क्या होगा? अगर ये तुम्हारे साथ होता तो वो भले ही नया है पर तुमसे ज्यादा काबिल है और उसे प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिली है। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज जो किया है वही काफी है, अगला मौका तुम्हें मिलेगा तभी ना। ये लो तुम्हारा रिलीविंग लेटर, कल से यहाँ मत आना। मुकेश को काम से निकाल दिया गया। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी।
वो पवन का बुरा करने गया था, पर उसी के साथ बुरा हो गया। मुकेश ने रोते हुए ये बात अपनी पत्नी को बताई। चिंता मत कीजिए, आपको कोई और नौकरी मिल जाएगी। मुकेश अपनी गलती पर शर्मिंदा था, ना वो आज ये सब करता ना ही उसे नौकरी से निकाला जाता। अगले कई दिनों तक मुकेश ने दूसरी कई कंपनियों में नौकरी की तलाश की, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। आखिर थक हार के मुकेश ने चाय की टपरी पर काम करना शुरू कर दिया। इस काम से उसे कम पैसे मिल रहे थे, पर कम से कम उसका घर चल रहा था। एक दिन पवन इस चाय की टपरी पे आया और यहाँ मुकेश को देखकर वो हैरान हो गया। मुकेश भैया, आप यहाँ? हाँ, काम से निकालने के बाद मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। आपको काम से निकाल दिया गया, पर क्यों? मुकेश समझ गया कि पवन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। मुकेश ने रोते हुए पवन के सामने सब कबूल किया। मैं तुमसे जलता था, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारी मोटर में गड़बड़ कर दी थी, पर देखो मैंने क्या कर लिया। पवन को मुकेश की इस हालत पर बहुत दया आ रही। भले ही मुकेश ने पवन का बुरा चाहा था, पर पवन अभी भी उसका अच्छा ही सोच रहा था। पवन मुकेश को लेकर सीधे मैनेजर के केबिन में पहुंचा। सर, मैं जानता हूं, मुकेश भैया ने ये सब जलन की वजह से किया है, पर अब उनकी ये हालत मेरी वजह से हुई है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज इनको इनकी जॉब लौटा दीजिए, प्लीज सर। नहीं पवन, अगर इसने वापस ऐसा कुछ किया तो? ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर, इन्हें अपनी गलती पे पछतावा है। सर प्लीज सर, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, प्लीज इन्हें इनकी जॉब लौटा दीजिए। मैनेजर को भी मुकेश पर दया आ गई। कल से तुम वापस काम पर आ सकते हो, पर याद रखना, तुम्हारी वजह से किसी को कोई गलती से भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सर, अब किसी को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया पवन, मैं तेरे बारे में बहुत गलत सोचता था, मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं भैया, गलती इंसान से ही होती है। पवन ने मुकेश को गले लगा लिया। अगले दिन से मुकेश दोबारा फैक्ट्री में काम करने लगा, पर अब वो बदला हुआ था। उसे किसी से कोई एतराज नहीं था, वो बस अपना काम करता और घर जाता। वो समझ गया था कि बुरे कामों का बुरा फल ही मिलता है, और जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं।